20 ग्राम पशु को नमक खिला दें और पशु की दूध की मात्रा दुगुनी कर लें। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो रहा होगा कि कैसे नमक से पशु का दूध बढ़ सकता है। यह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नमक के साथ ऐसा क्या मिलाकर खिलाएं जिससे पशु का दूध बढ़ जाए। बहुत से पशुपालक भाई अपने पशु को नमक नहीं देते हैं, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और आपको भी पता है कि इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी दी जाती है, इसलिए आप वीडियो में इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। हम पशुओं को नमक खिलाने से पशुओं का जो मेटाबॉलिज्म, जो पाचक्रिया होती है, जो भोजन को पचाने में सहायता करती है, उसको बढ़ाने में नमक बहुत ज़्यादा सहायता करता है। और नमक में ऐसे क्या क्या गुण होते हैं वो आपको बताता हूँ। नमक में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है इसके साथ साथ, और जो प्रचुर मात्रा में सेलेनियम भी उपस्थित होता है और वृद्धि में सहायता करता है। सेलेनियम जो पशु के लिए वरदान के रूप में साबित होता है। सेलेनियम की से जो पशु के जो शरीर में वजन में वृद्धि होती है, इसके साथ साथ पशु के दूध में वृद्धि कराने में भी सेलेनियम बहुत ज़्यादा सहायता करता है। और ये सेलेनियम नमक में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। आप जो नमक हम घर में उपयोग में लेते हैं, उस नमक का आपको उपयोग में लेना है। मैं आपको जो विधि बताऊंगा, आप उस तरीके से यदि पशु को नमक खिलाएंगे और इसके साथ साथ मैं और जो लीवर टॉनिक जो आपको बताऊंगा वो आप पशु को देंगे, तो निश्चित ही आपके पशु का दूध बढ़ेगा। जब तक पशु को जो आप चारा दे रहे हैं वो अच्छी तरह से पचेगा नहीं, तो तब तक पशु का दूध बढ़ने का या पशु के मोटा होने का मतलब ही नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको जो विधि के रूप में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको पशु को क्या देना। सबसे पहले तो आपको पशु की डीवॉर्मिंग कराने के लिए, पशु की पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले पशु की डीवॉर्मिंग करानी है। डीवॉर्मिंग जो पेट के कीड़े मारने की दवा होती है वो आपको पशु को देनी है। जो टैबलेट जिसका नाम है फेरमेंडाजोल, जो आप पशु को खाली पेट आपको पशु को देनी है जिससे पशु के पेट के कीड़े मर जाएं। अब मैं जो आपको आगे विधि बताऊंगा वो तभी काम करेगी जब आप पशु के डीवॉर्मिंग कराएंगे। डीवॉर्मिंग ये जो पेट के कीड़े मारने दवा थी वो आप पशु को देंगे। पशु को जो आप जो दाना बांट दे रहे हैं उसमें आपको जो मक्का खल या मूंगफली की खड़ आप जो पशु को दे रहे हैं, इसके साथ साथ आपको गेहूं का दलिया और उसमें ऐड करना है। गेहूं के दलिये के साथ साथ जो गुड़ होता है वो भी आपको पशु को ऐड करके उस पशु को खिला देना है। गुड़ क्या करता है, पशु में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ पशु में जो ब्लड सप्लाई है उसको बढ़ाने में मदद करता है और पशु को एनर्जी प्रदान करने में भी गुड़ बहुत ज़्यादा सहायता करता है। इसलिए आपको पशु की जो आप दाना बांट दे रहे हैं उसमें पशु को गुड़ मिलाकर जरूर दें। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आप वैसे पशु को कैसे खिला सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप पशु का जो गुड़ होता है उसको आप पानी में भिगोकर रात को रख दीजिए और सुबह पशु को आप खिला दीजिए। इससे पशु में कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे पहले जो मैंने आपको बताया है कि पशु को पहले डिवॉर्मिंग कराएं और पशु को जो बांट देते हैं उसमें गेहूं का दलिया और गुड़ अवश्य उसमें मिलाकर पशु को खिलाएं। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, जो एनर्डाइमा का जो एनर्जी बूस्टर आता है आपको उसको भी उपयोग में लेना है। एनर्जी बूस्टर आपके पशु में जो एनर्जी बढ़ाएगा और कैल्शियम और फॉस्फोरस की पूर्ति करेगा। इसके साथ साथ जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा को बढ़ाएगा, जिससे आपके पशु का दूध अवश्य ही बढ़ेगा। आपको एनर्जी बूस्टर 200 ml लगातार आपको 10 दिन तक आपको देना है पशु को। प्रतिदिन आप लगातार 10 दिन पशु को देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और निश्चित ही पशु का दूध बढ़ेगा। मैंने जो आपको ये विधि बताई है, इस विधि से आप पशु में उपयोग में लेंगे तो आपके निश्चित ही पशु का दूध बढ़ेगा। और एनर्जी बूस्टर इनको आप पशु में प्रेग्नेंट पशुओं में भी काम में ले सकते हैं और जो गुड़ है उसको भी आप प्रेग्नेंट पशुओं में काम में ले सकते हैं। पर आपको ध्यान में ये रखना है कि पशु में यदि पशु को आप लगे आपको पशु को नुकसान पहुंचा रहा है तो आपको गुड़ की मात्रा कम कर देनी है। वैसे तो गुड़ की मात्रा आपको 20 ग्राम से 50 ग्राम के बीच में आप पशु को दे सकते हैं। नीचे कमेंट कर आप जरूर बताइएगा कि आज से पहले आपको नमक कितने फायदे पता था क्या, अगर नमक भी पशु का दूध बढ़ा सकता है ये आपको पता था क्या। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पशु को 20 ग्राम आपको पशु को नमक देना है और पशु की डीवॉर्मिंग करानी है। डीवॉर्मिंग कराएंगे तभी पशु में जो आपका आगे जो मैंने स्टेप जो बताई विधि आपको वो काम करेगी, वरना वो काम नहीं करेगी। इसके बाद आपको जो पशु को जो आप बांट दे रहे हैं उसमें आपको गेहूं का दलिया और गुड़ आपको मिलाकर पशु को खिला देना है। और गुड़ आपको जो गुड़ की तासीर तो वैसे तो गर्म होती है, आपको जो गुड़ खिला रहे हैं आप पशु को उससे आप रात को पानी भिगो कर आप सुबह पशु को खिला दें, तो इसमें आपके पशु में कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो एनर्डाइमा का जो एनर्जी बूस्टर आता है उसका वो जो प्रैक्टिकल यूज मैंने बहुत अच्छा देखा है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इससे पशु का दूध
निश्चित ही बढ़ता है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने पशुपालक भाइयों के साथ और वेटरनरी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपने पशु को दूध बढ़ाने में उनको सहायता मिल सके। ऐसे आप मेरी वीडियो देखते रहें और ऐसे अपना प्यार देते रहें। इस वीडियो का यही पर एंड करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।